हेलो, आई एम आबिदा एंड वेलकम टू माय फ्लेवर्स। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एकदम पतली पतली और बहुत ही कुरकुरी हलवाई स्टाइल जलेबी। ये जलेबियाँ मुश्किल से 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स में बन जाती हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह की कुरकुरी और बहुत ही टेस्टी हलवाई स्टाइल जलेबी को बनाने में आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो आइए जल्दी से हमारी इंस्टेंट और बहुत ही टेस्टी जलेबी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने माई फ्लेवर्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो के नीचे दिए इस लाल बटन को दबाकर इसे अभी सब्सक्राइब कर दें और साइड में आने वाले इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी सभी वीडियो के अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स और फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। तो जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन में हम लेंगे 1.5 कप चीनी। इस रेसिपी के सभी मेजरमेंट्स मैंने इस तरह के मेजरिंग कप से किए हैं। और चीनी की ही आधी क्वांटिटी का यानी 3/4 कप इसमें हम पानी डालेंगे। जलेबियों को हल्का सा केसरी कलर और फ्लेवर देने के लिए इस चाशनी में हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे। आप चाहें तो इस चाशनी में इलायची भी डाल सकते हैं। और अब इस चाशनी में हम डालेंगे लगभग 1/4 से आधा चम्मच जितना नींबू का रस। नींबू का रस डालने से चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होती है। अब चाशनी को हिलाते हुए हम चीनी डिज़ोल्व होने और इसमें उबाल आने तक इसे पकाएंगे। ये देखिए, हमारी सारी चीनी डिज़ोल्व हो गई है और चाशनी में उबाल भी आ गया है। अब इस चाशनी को हम 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। जलेबी के लिए चाशनी हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, ये बस हल्की सी स्टिकी हो और लगभग आधे तार की बन जाए, बस इसे उतना ही पकाना है। 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि चाशनी काफ़ी स्टिकी और लगभग आधे तार की बन गई है। बस अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस चाशनी पर ढक्कन लगाकर इसे साइड में रख देंगे। आइए अब हम जलेबी का बैटर बनाना शुरू करते हैं। तो जलेबी का बैटर बनाने के लिए एक बाउल में हम लेंगे लगभग 1/2 कप मैदा। इसमें हम डालेंगे 1.5 से 2 चुटकी बेकिंग पाउडर और लगभग 2 टेबलस्पून इसमें हम दही का डालेंगे। दही अगर हल्का सा खट्टा है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल पानी डालते हुए इसका एक बैटर बना लेंगे। जलेबियों को हल्का सा ऑरेंजिश कलर देने के लिए इसमें आप ऑरेंज फूड कलर की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं। फूड कलर ऐड करना कम्प्लीटली ऑप्शनल है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसका एक बैटर बना लेंगे। बैटर को अच्छे से कुछ देर के लिए फेंट लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हमारा जलेबी का बैटर बनकर तैयार है। इस बैटर को लगाने में मुझे लगभग 1/3 कप पानी लगा है। अगर आपको पतली जलेबियाँ पसंद हैं तो बैटर को पतला रखें, और अगर आपको मोटी जलेबियाँ पसंद हैं तो बैटर को थिक रखें। तो ये आप चेक करने के लिए बैटर को इस तरह से गिराएंगे तो जो धार आपकी गिरेगी बैटर की, उससे आप जज कर सकते हैं कि आपका बैटर किस तरह का है। तो यहाँ आप देखिए, हमारी धार पतली गिर रही है, मतलब पतली जलेबियाँ बनाने के लिए हमारा ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। अब जलेबियों को शेप देने के लिए हम इसे इस तरह की किसी खाली सॉस की बॉटल में डाल देंगे। ये सॉस की बॉटल मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास सॉस की बॉटल इस तरह की नहीं है तो आप इस बैटर को खाली दूध की थैली या जिपर में भी डालकर कोन बनाकर उससे भी जलेबियों को शेप दे सकते हैं, जिस तरह से हम मेहंदी के लिए कोन तैयार करते हैं ठीक उसी तरह से। तो यहाँ हमने तैयार बैटर को इस सॉस की बॉटल में डाल दिया है और आइए अब हम जलेबियों को फ्राई करना शुरू करते हैं। जलेबी फ्राई करने के लिए हम इस तरह का शैलो पैन लेंगे। इस पैन में लगभग 1 से 1.5 कप हम घी डालकर उसे हल्का गर्म कर लेंगे। आप जलेबियों को तेल या डालडा में भी फ्राई कर सकते हैं। जलेबी बनाने के लिए आप सेंटर से शुरू करते हुए उसे गोल गोल घुमाते हुए एंड पर आकर उस तेल को बिल्कुल सेंटर में लाकर छोड़ दें और इस तरह से आप आपकी पसंद की साइज की जलेबियां बना लें। जलेबी को शेप देते समय आप बस एक बात का ध्यान रखें कि ये जो आप सर्कल्स बना रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखें। कोशिश करें कि इन सर्कल्स को आप बिल्कुल पास में रोल करते जाएं तो आपकी जलेबी बिल्कुल परफेक्ट शेप की बनेगी। फ्लेम को हमेशा मीडियम से लो ही रखें। जलेबी फ्राई करने के लिए आपका घी बहुत ज़्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए। इस घी को आपको बिल्कुल हल्का यानी मीडियम से लो फ्लेम पर ही गर्म करना है। अगर आपको जलेबियाँ कुरकुरी पसंद हैं तो इसे गोल्डन होने तक आप फ्राई करें। अगर आपको जलेबियाँ नरम पसंद हैं तो उसे सुनहरी होने से पहले घी से बाहर निकाल लें। तो यहाँ मैं इन जलेबियों को कुरकुरा बना रही हूँ, तो इसे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक उलट पलट करते हुए हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई हुई जलेबियों को घी से बाहर निकाल लेंगे और उसे हल्की गुनगुनी चाशनी में डाल देंगे। ध्यान रखिए, जलेबियाँ डालते समय आपकी चाशनी बिल्कुल उबलती हुई नहीं होनी चाहिए,
वहीं दूसरी तरफ चाशनी अगर ठंडी हो गई हो तो उसे हल्का सा गर्म कर लें पहले और फिर उसमें जलेबियाँ डालें। फ्राई हुई जलेबियों को चाशनी में 2 से 3 मिनट रहने देंगे। जब तक ये जलेबियाँ चाशनी में हैं, हम हमारी जलेबी का दूसरा बैच तैयार कर लेते हैं। 3 मिनट बाद जलेबियों को चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी टेस्टी और बिल्कुल पतली पतली कुरकुरी जलेबियाँ बनकर तैयार हैं। मैं इन्हें आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये बिल्कुल कुरकुरी हैं और इसके अंदर तक रस भरा हुआ है। आप इन जलेबियों को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन हैव अ फ्लेवरफुल ईटिंग।